बांग्लादेश में शोषण हुआ है उन सभी को नागरिकता देने का एक कानून, उसी की अधिसूचना जारी हुई है और उसी पर गृह मंत्रालय का एक ट्वीट आया है। ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पात्र लोगों को नागरिकता मिलेगी, आवेदन का सक्षम कानून है ये और ऑनलाइन बाकायदा इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, नागरिकता ली जा सकती है। एचएस रावत साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत साहब, थोड़ी देर पहले फाजिल अहमद भी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि देखिए किसी को नागरिकता दी जा रही है इसको लेकर हमारा विरोध नहीं है, हम तो तब भी इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे और आज भी इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिमों को इससे बाहर क्यों रखा गया है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है और मुसलमानों को बाहर रखना भी चाहिए। मुसलमानों के 70 देश हैं और जब 70 देश है और भाईचारा है और इस्लाम भाईचारा सिखाता है, फिर उनको तंग वहां होने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब धर्म के आधार पर आप लोगों ने देश अगर ले ही लिया तो फिर आपको यहां हिंदुस्तान में आने का तो कोई अधिकार बनता ही नहीं है बंटवारे के हिसाब से देखा जाए। और फिर अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप वहां पर तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हाँ। वहां की सरकारें अगर मुसलमानों को परेशान करती हैं और आप हिंदुस्तान में नागरिकता मांगते हैं तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहले कर चुके हैं। लेकिन फाजिल भाई जैसे लोगों को तो खुशी होना चाहिए, क्योंकि अब आपको और वहां हिंदुओं को तंग करने का मौका मिलेगा, सिखों को तंग करने का मौका मिलेगा। आप तो पूरा सरिया कानून अब लागू कर सकते हैं, जो 2% वहां पर हिंदू बचे हैं पाकिस्तान में उनको तंग करेंगे आप लोग। तो इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा और जो माइनॉरिटी में है, जो इस्लाम से संपर्क उनका नहीं है, जो इस्लाम के द्वारा सताए जाते हैं, अमित जी ये उनके लिए एक बहुत उनका भारत में स्वागत है, उनका भारत में स्वागत है और भारत उनके साथ खड़ा है, उनको नागरिकता भी दे रहा है। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन सार यही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि जो कहा वो किया, 2019 के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने इस बात का जिक्र किया था कि हम सीए लागू करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आज बाकायदा इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। छोटा